हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, अब हम अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, बैंकिंग। ठीक है, इससे जो क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यहाँ से आते हैं वो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स के या 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक जो आता है वो प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन आता है। ठीक है, क्या बोला गया? प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। ठीक है, अब आप अगर इन चीज़ों को देखोगे, आपको इससे पहले वाला मैंने चैप्टर बताया था और वो चैप्टर था मनी, और हमने देखा था वहाँ पर एक चीज़ पढ़ी थी कि सप्लायर ऑफ मनी, मनी के कौन कौन से सप्लायर होते हैं। और जब हमने सप्लायर की बात करी थी तो वहाँ सप्लायर में हमने 3 लोगों को पढ़ा था। मेन सप्लायर तो कौन होता है? RBI। उसके बाद हमने पढ़ा था गवर्नमेंट भी होता है, और उसके बाद हमारे जितने भी बैंक्स होते हैं वो भी सप्लायर होते हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ा था RBI सप्लायर कैसे होता है कि जितने भी नोट्स हैं उन नोट्स को इशू करने का काम RBI का होता है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है? तो गवर्नमेंट 1 रुपीज़ का नोट और जितने भी कॉइन्स होते हैं उनको इशू करने का काम करती है। तो क्वेश्चन पुटअप होता है कि सर, बैंक तो कोई भी नोट इशू करती ही नहीं है, तो वो सप्लायर कैसे हुई? तो हमने वहाँ पर बताया था कि बैंक जो होती है वो क्या करती है? मनी का क्रिएशन करती है इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, तो मनी का क्रिएशन जो करती है वो किस फॉर्म में करती है? डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में करती है। ठीक है, तो इस तरीके से बैंक भी जो होती है वो मनी की सप्लायर होती है। अब बैंक डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में मनी का क्रिएशन कैसे करती है, इस चीज़ को हम इस बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बड़े ध्यान से हम चीज़ों को समझेंगे, इससे क्वेश्चंस बनता है जो आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक, एक्सप्लेन। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता ही है। मैं हर जब भी कोई भी चैप्टर कंप्लीट कराता हूँ तो उसके बाद आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन जरूर दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ भी हम देखेंगे बोर्ड में किस टाइप से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, तो देखो क्या लिख रहा है, प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन में लिखा हुआ है कि कॉमर्शियल बैंक क्रिएट मनी इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट टू द बोरोवर्स। मतलब बैंक जो करती है वो मनी क्रिएट करती है, लेकिन किस फॉर्म में करती है? क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब लोन। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? लोन। लोन के फॉर्म में करती है टू दी बोरोवर। बोरोवर को लोन किसको देती है? बोरोवर, जिनको लोन चाहिए। देयरफोर मनी क्रिएशन बाय द कॉमर्शियल बैंक इज ऑल्सो कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। इसीलिए मनी के क्रिएशन को हम क्या बोल सकते हैं? क्रेडिट क्रिएशन भी बोल सकते हैं बाय द कॉमर्शियल बैंक। तो मनी का क्रिएशन जो कॉमर्शियल बैंक के द्वारा होता है उसे क्रेडिट क्रिएशन भी बोलते हैं। एक चीज़ को यहाँ पर समझते हैं कि देखो होता क्या है कि हम अपने डिपॉजिट्स करने जाते हैं बैंक में, तो बैंक क्या करता है, हमारे पैसों में से कुछ पैसे को अपने पास रख लेता है और बचे हुए पैसों को क्या करता है, वो एज ए लोन के रूप में और लोगों को देता है। ठीक है, तो जो लोन जो टर्म होता है उसे बैंकिंग सिस्टम में क्रेडिट बोलते हैं। बैंकिंग सिस्टम या इकोनॉमिक लैंग्वेज में उसे क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो लोन देता है उस लोन के थ्रू ही वो मनी का क्या करता है? क्रिएशन करता है। कैसे कैसे करता है पूरी प्रोसेस को देखेंगे। तो सपोज करो कोई व्यक्ति है जिसने बैंक में 10,000 रुपीज़ को जमा कराया। ठीक है, तो जो पैसे जमा कराए उनको बोलते हैं या तो डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं या उसे कैश रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा टोटल कैश रिजर्व ऑब्लिक डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक 10,000 रुपीज़। ठीक है, यानी कि 10,000 रुपये किसी व्यक्ति ने जमा करा दिए। ठीक है, अब कैश रिजर्व्स जो है वो किसी भी बैंक के लिए असेट्स होती है। ठीक है, और जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं यानी कि वो क्या है? लायबिलिटी है।
अब आप कहोगे सर एक ही चीज़ असेट्स भी और लाइबिलिटी भी है, बिल्कुल है भाई। देखो 10,000 रुपीज़ आपने डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में जमा कराए, मैंने बताया था डिमांड, इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में जो भी पैसे जमा होते हैं उन्हें डिमांड डिपॉजिट्स बोलते हैं। डिमांड का मतलब क्या, वहाँ पर मैंने चीज़ें और भी समझाई थी कि डिमांड डिपॉजिट्स और टर्म डिपॉजिट्स में क्या डिफरेंस होता है। डिमांड डिपॉजिट्स जो होते हैं जिनको चेक के थ्रू आप विड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर था कि डिमांड डिपॉजिट्स यानी कि आपने 10,000 रुपीज़ जमा किए वो आपके लिए डिमांड डिपॉजिट्स हुए और बैंक के लिए वो लायबिलिटी है, क्यों, क्योंकि बैंक उनसे क्या कर सकती है कि जब आप बैंक को चाहोगे तो आदेश दे सकते हो, तो बैंक आपके पैसे वापस कर सकती है, ठीक है। तो ये तो हुआ कंपनी बैंक के लिए लायबिलिटी, लेकिन यही पैसे कंपनी, सॉरी बार बार मैं कंपनी बोल रहा हूँ, कंपनी का मेरा मतलब बैंक से है कि यही 10,000 रुपीज़ बैंक के लिए क्या है, एक तरीके से असेट्स भी हैं। क्यों, क्योंकि यही 10,000 रुपीज़ से तो बैंक क्या करेगा, पैसे कमाएगा। जब वो इन 10,000 रुपीज़ को लोन के रूप में देगा और लोन के रूप में देगा तो उससे उसे इंटरेस्ट के रूप में पैसे मिलेंगे, ओके। तो एक तरीके से ये 10,000 रुपीज़ कैश रिजर्व भी हैं और कैश रिजर्व जो होता है वो किसी भी बैंक के लिए असेट्स होता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब यहाँ तक हमने समझ लिया कि किसी भी व्यक्ति ने 10,000 रुपीज़ बैंक में जमा किए। अब इन जर्नल इंडियन बैंकिंग सिस्टम में जो हमारे जो बैंक्स हैं उनका एक अपना एक्सपीरियंस है कि जब भी हम इंडियंस लोग पैसों को जमा करते हैं बैंक में तो वो तुरंत पैसे नहीं निकालते हैं, ठीक है। वो पैसों को अचानक से नहीं निकालते हैं, वो धीरे धीरे करके अपने पैसों को विड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी पैसे आप जमा कराते हो उसका 10% बैंक अपने पास रख लेती है, क्योंकि कि आप तब कभी भी निकालोगे तो वो पैसे आपके वापस हो जाएंगे, लेकिन बाद बाकी का पैसा उन्हें पता होता है कि लोग एक साथ नहीं निकाल सकते, तो उनका वो पैसा यानी कि 10% देने के बाद वो जो 90% पैसा है उसको वो लोग क्या करते हैं, एज ए लोन के रूप में लोगों को दे देते हैं। तो इसको क्या लिखते हैं, रिक्वायर्ड कैश रिजर्व। रिक्वायर्ड कैश रिजर्व का मतलब हुआ कि कितना पैसा जो आप बैंक को अपने पास रखना है, 1,000 रुपये विच इज 10% ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। नॉर्मली जो बैंक है वो क्या करती हैं, जितना भी डिमांड डिपॉजिट्स होता है उसका 10% जो है वो अपने पास रख लेती हैं, ठीक है। तो ये वाला जो टोटल कैश रिजर्व है इसको इसको और क्या नाम से बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं एक्चुअल कैश रिजर्व। वास्तव में हमारे पास कितना पैसा था, 10,000, लेकिन कंपनी क्या, कंपनी यानी कि बैंक क्या करती है कि बैंक क्या करेगी, अपने पास 1,000 रुपये रख लेगी। उसे पता है कि अगर कोई व्यक्ति मांगने आएगा तो हम उसे पैसे वापस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में एक्सेस कैश रिजर्व विद बैंक, मतलब कि अब उसके पास एक्स्ट्रा कितने पैसे हैं, कैश का रिजर्व एक्स्ट्रा में कितना है, तो इसका जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअल रिजर्व माइनस रिक्वायर्ड रिजर्व, ठीक है। तो 10,000 में से 1,000 रुपीज़ लेस किए तो कितने बचे, 9,000 रुपीज़, ओके। तो 9,000 रुपये उसके पास एक्स्ट्रा हैं जो वो लोन के रूप में दे सकता है, ओके। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अब देखो इसके बाद क्या होगा कि जो 9,000 रुपीज़ हैं अब कंपनी क्या करेगी, यानी कि बैंक क्या करेगी, उसे लोन के रूप में पैसा दे देगी, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब ये लोन के रूप में किसी को पैसे देती है तो आप इन चीज़ों को समझो कि आप जब भी बैंक के पास लोन लेने जाओगे तो वो जो लोन के रूप में आपको पैसे देगी उसके लिए आपका पहले अपने ही यहाँ पर एक अकाउंट खुलवाएगी, बैंक अकाउंट ओपन कराएगी, और जो लोन का पैसा वो क्या करेगी, बैंक में अपने जो अकाउंट ओपन कराया उसमें वो ट्रांसफ़र कर देगी, ठीक है। आप भी लोन का पैसा एकदम क्या करते हो, तुरंत नहीं निकालते हो, लोन का पैसा धीरे धीरे आप क्या करते हो, उसे बाहर की तरफ निकालते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 9,000 रुपीज़ थे, ये 9,000 रुपीज़ थे, ये क्या है, लोन के रूप में दिए और लोन के रूप में अपने यहाँ पर एक अकाउंट खुलवा के उसमें जमा करा दिए। इसका मतलब ये जो 9,000 रुपीज़ हैं ये अगर लोन के रूप में दिए तो साथ में अकाउंट ओपन करा के अपने यहाँ भी जमा कराएं, तो ये भी क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स का पार्ट हो गया। तो सेकंड केस में क्या होगा कि टोटल डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक। अब देखो 10,000 तो पहले वाले थे,
पहले व्यक्ति ने करे थे जमा, तो उसे प्राइमरी डिपॉजिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी डिपॉजिट्स। और 9,000 रुपीज़ ये जो लोन वाले जो थे, जो जिसने लोन मांगा था उसके अपने यहाँ पर अकाउंट ओपन कराकर जमा करा दिए, तो वो भी डिमांड डिपॉजिट्स का पार्ट है। क्यों? अकाउंट में तो पैसे गए ना, तो 9,000 रुपीज़ ये सेकेंडरी डिपॉजिट्स है। टोटल कितने हो गए? 19,000। अब रिक्वायर्ड कैश रिजर्व कितना चाहिए? तो मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बोल चुका हूँ, 10% ऑफ द डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स कितना है? 19,000। तो उसका 1900 जो है वो पैसे रख लेंगे। एक्सेस कैश रिजर्व कितना है? तो एक्चुअल रिजर्व माइनस रिक्वायर्ड रिजर्व। एक्चुअल रिजर्व कितना था हमारा? 10,000। एक्चुअली में हमारे पास कितना था? 10,000। उसमें से रिक्वायर्ड रिजर्व कितना है? 1900। उसे लेस किया तो बचा कितना? 8100। ओके, यहाँ तक की बात समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब क्या हुआ, 8100 जो थे, 8100 यानी कि जो 8100 थे वो हमारे पास क्या बचा? अब एक्सिस रिजर्व बचा। ठीक है, एक्सिस रिजर्व था। अब इस 8100 को भी हम क्या करेंगे? फिर दोबारा से लोन के रूप में देंगे। ठीक है, अब ये लोन के रूप में देंगे, तो आप अगर देखोगे तो ये 8100 लोन के रूप में दिए, तो इससे क्या हुआ, फिर ये लोन के रूप में किसी बोरोवर को देंगे, जो बोरोवर को डायरेक्ट नहीं देते, अपने यहाँ पर अकाउंट ओपन कराते हैं, और उस अकाउंट को ओपन कराने के बाद में ये 8100 क्या करेंगे? अकाउंट में डाल देंगे, यानी कि ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब टोटल डिमांड डिपॉजिट्स कितना हुआ? 10,000 तो प्राइमरी डिपॉजिट्स था, पीडी का मतलब प्राइमरी डिपॉजिट्स। साथ में आप देखोगे 9,000 और प्लस अब कितना हो गया? 8100, ये हो गया 8100। ठीक है, तो टोटल ये क्या हो गया? सेकेंडरी डिपॉजिट्स। तो हमारी टोटल डिमांड डिपॉजिट कितनी होगी? 27,100। ओके, रिक्वायर्ड कैश रिजर्व कितना चाहिए? 10% ऑफ द डिमांड डिपॉजिट्स, यानी कि कितना चाहिए? 2,710 रुपीज़। ठीक है, तो एक्सिस रिजर्व कितना बचा? एक्चुअल रिजर्व, देखो यहाँ लिखा है एक्चुअल रिजर्व माइनस रिक्वायर्ड रिजर्व। एक्चुअल कितना था? 10,000, उसमें से 2,710 रुपीज़ को लेस किया तो बचा 7,290। ठीक है, अब ये देखोगे ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक आपका एक्सिस रिजर्व जो है वो जीरो ना हो जाए, और आपका टोटल डिमांड डिपॉजिट्स जो है वो देखोगे बढ़ते हुए 1,00,000 रुपये हो जाए। ठीक है, बढ़ते हुए ये कितना हो जाएगा? 1,00,000 रुपीज़ हो जाएगा। देखो, तो यहाँ पर मैंने यही चीज़ लिखा कि एक्चुअल कैश रिजर्व ऑफ द बैंक, एक्चुअल में कैश रिजर्व कितना था उसके पास? 10,000। टोटल डिमांड डिपॉजिट्स कितना था? 10,000 तो प्राइमरी होगा, और मैंने बताया ना कि ये कितना हो जाएगा? 90,000। ऐसे बढ़ते बढ़ते टोटल सेकेंडरी डिपॉजिट्स हमारी कितनी हो जाएगी? 90,000। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1,00,000 रुपीज़ हमारा डिमांड डिपॉजिट्स हो जाएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड कैश रिजर्व कितना है? 1,00,000 का 10% यानी कि 10,000 हो जाएगा। ठीक है, 10% ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट यानी कि 10,000। तो एक्सिस रिजर्व कितना होगा? एक्सिस रिजर्व जो होगा वो 10,000 माइनस 10,000 यानी कि जीरो बचेगा, क्योंकि एक्चुअल में भी 10 था और रिक्वायर्ड भी कितना? 10, तो बचा कितना? जीरो। यानी कि जो हमारे पास 10,000 का एक्चुअल में डिमांड डिपॉजिट्स आई, वो पैसा घूमते 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 लोन पे लोन देते देते जब तक एक्सिस रिजर्व हमारा जीरो ना हो जाए और हमारी टोटल डिमांड डिपॉजिट्स 1,00,000 रुपीज़ ना हो जाए, तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, हमने देखा लास्ट वाले पार्ट में कि टोटल डिमांड डिपॉजिट्स हमारी कितनी हो गई, टोटल डिमांड डिपॉजिट कितना हो गया था? 1,00,000 रुपीज़ हो गया था। ये डिमांड डिपॉजिट जो है ये हमारा, ये क्या है? यही है मनी का क्रिएशन। ये क्या है? मनी का क्रिएशन, यानी कि हमने 10,000 रुपये से, एक्चुअल में तो हमारे पास सिर्फ 10,000 रुपये ही आए थे, इन 10,000 रुपये से हमने कितने? 1,00,000 रुपीज़ बना लिए। ठीक है, तो इन 10,000 रुपयों से हमने मनी कितनी क्रिएट कर ली? 1,00,000 रुपीज़। इसी बोलते हैं मनी का क्रिएशन।
ठीक है, तो जितना भी टोटल डिमांड डिपॉजिट्स होती है वही हमारे मनी का क्रिएशन होती है। पढ़ेंगे इसे, वी नो डिमांड डिपॉजिट्स आर अ कॉम्पोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है? मनी की सप्लाई का कॉम्पोनेंट्स होता है। हमने पढ़ा था एम वन इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस डी डी प्लस ओ डी। क्या डी डी क्या है? डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, बिकॉज ऑल मनी इन डिमांड डिपॉजिट्स कैन बी यूज्ड ऑन डिमांड। जितने भी पैसे डिमांड डिपॉजिट्स में आते हैं वो क्या होते हैं, यूज किए जाते हैं डिमांड के द्वारा बाय राइटिंग अ चेक, मतलब चेक के थ्रू आप विड्रॉ कर सकते हो। दस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैश रिजर्व ऑफ रुपीज 10,000, यानी कि हमने 10,000 रुपीज जो कैश रिजर्व के रूप में थे या डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में थे, द बैंक्स हैव क्रिएटेड द मनी सप्लाई इक्वल टू 1,00,000 रुपीज। हमने कितनी सप्लाई, कितने मनी क्रिएट कर ली, 1,00,000 रुपीज। द मनी सप्लाई दस क्रिएटेड बाय द बैंक इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएटेड बाय द बैंक और मनी क्रिएटेड बाय द बैंक। और यही जो 1,00,000 रुपीज है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएटेड बाय द बैंक, यानी कि क्रेडिट क्रिएशन या मनी का क्रिएशन। ये चीज मैंने आपको यहाँ पर बता दी, बात समझ में आ गया। तो इन जर्नल इसमें ये था, जो 10,000 रुपीज थे उससे हमने जो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स करी, ठीक है, हमने तीन तीन लेवल तक तो देखा, उसके बाद हमें पता ही है कि धीरे धीरे बढ़ते हुए चला जाएगा। तो जो टोटल हमने, हमारे जो 1,00,000 रुपीज हो गए, ठीक है, टोटल 1,00,000 रुपीज हो गए, यही हमारा क्या है, मनी का क्रिएशन है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब देखो हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कर ली थी, यहाँ तक की चीज़ों में देखो कि हमने देखा कि किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए, हमने 10% का रिक्वायर्ड रिजर्व रखा, रिक्वायर्ड रिजर्व, और इससे हमारा टोटल डिमांड डिपॉजिट जो था वो 1,00,000 रुपीज़ का हो गया। डिमांड डिपॉजिट जो है वो हमारा 1,00,000 रुपीज़ का हो गया, और इसी 1,00,000 रुपीज़ को हमने क्या बोला, क्रेडिट क्रिएशन बोला। ओके, अब देखो बैलेंस शीट में इन चीज़ों को कैसे शो करते हैं। तो पहले लेवल पर हमने ये चीज़ें देखी थी कि पहले लेवल पर हमने देखा कि हमारे पास जो पैसे थे वो थे 10,000 रुपीज़ थे ओनली, और ये 10,000 रुपीज़ जो थे ये हमारे लिए डिमांड डिपॉजिट्स था, और मैंने कहा था डिमांड डिपॉजिट्स हमारे लिए लाइबिलिटी होते हैं। ठीक है, और यही 10,000 रुपीज़ हमारे लिए असेट्स भी हैं कैश रिजर्व के रूप में। क्यों? क्योंकि हम इन्हीं 10,000 रुपीज से अब जो है लोन देने वाले हैं और लोन के बदले में इंटरेस्ट लेने वाले हैं। ठीक है, हमने प्रोसेस भी देख लिया। ठीक है, इस कैश रिजर्व को हमने एक्चुअल कैश रिजर्व बोला था, कितना था, 10,000। इसके बाद आपने देखा सेकंड स्टेज पर, जब हमने यहाँ पर देखा कि इसका जो 10,000 था उसका 10% 1,000 रुपये रखने के बाद में एक्सेस रिजर्व 9,000 बचा, तो 9,000 रुपीज़ को हमने क्या किया था, लोन के रूप में देख लिया था। तो सेकंड लेवल पर देखोगे, कंबाइंड बैलेंस शीट देखोगे तो क्या थी, डिमांड डिपॉजिट्स पुराना कितना था, 10,000 का, और डिमांड डिपॉजिट्स नया कितना था, 9,000 रुपये का। देखा था इस डिमांड डिपॉजिट्स को हमने प्राइमरी डिपॉजिट्स बोला था और इसको हमने सेकेंडरी बोला था, और कैश रिजर्व के रूप में एक्चुअल कैश रिजर्व तो हमारा 10,000 ही था, और ये जो डिमांड डिपॉजिट 9,000 रुपये थे ये लोन के रूप में दिए थे, तो हमने लोन कितना लिख दिया, 9,000, और टोटल यहाँ पर आ गया 19,000। ठीक है, इस तरीके से इनको बैलेंस शीट में भी शो करते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो आपको देखेगा कि उसके बाद क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट्स पुराना तो हमारा कितना था, 10,000 का ही था, ये 10,000 रुपये हैं। फिर डिमांड डिपॉजिट्स हमारे 9,000 के थे, कैश रिजर्व तो एक्चुअल कैश रिजर्व हमारा हमेशा ही 10,000 का रहा, और इसके बाद देखोगे जितने डिमांड डिपॉजिट्स हैं ये सब डिमांड डिपॉजिट्स आने लगी थी हमारी, 8,100 रुपये हुआ थर्ड टर्म में, तो 8,100 रुपये यानी कि 8,100 रुपीज़ हमने एज ए लोन के रूप में दे दिए थे। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा जो डिमांड डिपॉजिट बना वो 7,290 था, लोन के रूप में ही हमने उतने पैसे वापस कर दिए थे। ठीक है, लोन के रूप में दिया। ठीक है, तो इस तरीके से देखोगे ये हमारे जो थे, जब तक हमारा एक्सेस रिजर्व जीरो नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है, हमने ये चीज़ देख ली थी, और इसका मतलब हुआ कि हमारे असेट्स का टोटल कितना बन गया, 1,00,000, और लाइबिलिटी असेट्स ये है, असेट्स भी 1,00,000 हो गया और लाइबिलिटी भी कितना हो गया, 1,00,000 रुपीज़ हो गया। ओके, अब इसका मतलब हुआ कि यहाँ से अब हम चीज़ों को थोड़ा सा देखना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा था कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक कितना था, 10,000 रुपीज़ था,
डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द कॉमर्शियल बैंक जो था वो कितना था 10%। डिमांड डिपॉजिट्स कितना था, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द कॉमर्शियल बैंक कितना बना था 1,00,000 रुपए। ये 1,00,000 रुपए कैसे बना, 1/ रिजर्व रिक्वायर्ड रिजर्व कितना था 10% मल्टीप्लाई कैश रिजर्व 10,000। तो इससे कितना बना 1,000, ये 1,00,000 रुपीज बन गया, सॉरी कितना बना 1,00,000 रुपीज। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या निकल के आता है, फॉर्मूला फॉर द एस्टिमेशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें तो सिर्फ थी, आपको जो चीज़ समझाने के लिए था वो ये फॉर्मूला समझाने के लिए मैंने इतनी बड़ी प्रोसेस आपको समझाई है, जो प्रोसेस आपके काम के लिए इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है, और क्वेश्चंस जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको पूरी प्रोसेस लिखनी होगी। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो हमने लिखा मनी ऑब्लिक क्रेडिट क्रिएटेड बाय द कॉमर्शियल बैंक, ये फॉर्मूला क्या, 1/RR मल्टीप्लाई कैश रिजर्व। RR का मतलब होता है रिक्वायर्ड रिजर्व। ठीक है, अब अगर आपको सपोज करो कोई कह दे कि हमने किसी भी बैंक में 5,000 रुपये जमा कराए, कितने 5,000 रुपीज़, तो ये आपके कैश रिजर्व हो गए। ठीक है, और रिक्वायर्ड रिजर्व जो था वो था 10%। ठीक है, तो टोटल डिमांड डिपॉजिट्स आपको बतानी है, टोटल डिमांड डिपॉजिट्स बतानी है। टोटल डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब क्या हुआ कि कितना मनी इस लेवल, इन दोनों वैल्यू से कितना मनी क्रिएट हो जाएगा, टोटल डिमांड डिपॉजिट अगर आपको बतानी है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/ रिजर्व, रिक्वायर्ड रिजर्व कितना है 10%, मल्टीप्लाई कैश रिजर्व कितना था 5,000। तो यानी कि 1/10, और इसका क्या होता है 10/100 होगा, 10% का मतलब 10/100, तो 100 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 5,000। तो आप देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा 50,000। तो 50,000 रुपीज़ आप क्या करोगे, इससे मनी को क्रिएट कर लोगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि कभी भी अगर आपसे पूछे कि मनी क्रिएटेड बाय द कॉमर्शियल बैंक उसका क्या फॉर्मूला होता है, तो आपको याद रखना है 1/RR मल्टीप्लाई कैश रिजर्व। कैश रिजर्व का मतलब जो व्यक्ति एक्चुअल में पैसे जितने जमा कराता है, RR का मतलब होता है रिक्वायर्ड रिजर्व। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।